हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था उन्हीं की क्वेरीज लिखनी है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। देखिए जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो यही वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमको इसी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले लिखा हुआ है डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स, और मैंने तरीका भी बताया था कि आपको कैसे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना काफी इजी है, तो लेकिन करेंगे कैसे, तो आइए इसको देखते हैं। मैंने वो भी तरीका बताया था कि आप इसको कैसे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाया था, तो आज उस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, वो टेबल ओपन करते हैं। तो माई सीक्वल मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये माई सीक्वल वर्कबेंच पर ही काम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी रहता है कमांड लाइन की अपेक्षा वर्कबेंच, ठीक है। तो वर्कबेंच ओपन करता हूं और फिर हम उस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे जिस डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये डेटाबेस कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं। तो पहले तो हम यहां पर जाकर के इन सब को हटा देते हैं, इन सब का तो अभी कोई काम नहीं है, तो यहां तक रखेंगे क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है माई इंस्टीट्यूट नाम से है। तो सो डेटाबेसेस पे जाएंगे तो सारे डेटाबेस नजर आएंगे और इसमें से हमको माई इंस्टीट्यूट को यूज करना है, तो यहाँ यूज भी कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसमें से टेबल लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या कमांड चलाएंगे, सो टेबल्स कमांड चलाएंगे, और जैसे ही सो टेबल्स कमांड चलाएंगे और यहाँ पे रन करेंगे ना, तो यहाँ पे टेबल्स दिखने लगेंगे। तो हमारा टेबल था स्टूडेंट नाम से, तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे। तो ये लिखा सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, और कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हमें स्टूडेंट से सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया स्टूडेंट और यहाँ पे टर्मिनेशन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा और यहाँ पे रन करवा देंगे। जब रन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमको पहले में एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करा जाए, सवाल यही है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कमांड चला लेते हैं, तो SELECT सेलेक्ट चलाया यहाँ पे, और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ AVG दे दिया, और यहाँ पे चूंकि मार्क्स का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे MARKS मार्क्स कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स नाम से बना भी है, तो ये मार्क्स कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम तो स्टूडेंट ही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होकर आने लगेगा। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये रहा, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और अब चलाने की बारी है। तो आप देखेंगे कि इन सब का एवरेज, यानी जो आपके टेबल में दिख रहा था, यानी कि जो इसको सेलेक्ट करने पे जो मार्क्स दिख रहे थे उनका एवरेज 92.75 आया हुआ है, ठीक है। यानी इन सब का जो टोटल है एवरेज अगर कैलकुलेट किया जाए तो 92 पॉइंट समथिंग आया हुआ है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड लिखा है उसके हिसाब से, ठीक है। और यही सेम आएगा अगर आप एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यही सेम एवरेज आने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक्सेल ओपन करके, और ये बिल्कुल सही आया हुआ है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं एक्सेल पर भी कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये 92.75 है ना एवरेज। अब देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है ये मार्क्स, तो 92, 90 ये सब हम एंटर करते जाते हैं। पहला है 92, फिर है 90, फिर क्या है चेक करते हैं यहाँ पे, फिर है आपका 95, 94, ठीक है। तो 95 और 94 कर लेते हैं, 95 और ये हो गया 94, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं और एवरेज का फॉर्मूला लगा करके इसका एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम आएगा एवरेज 92.75। तो यहाँ पर कितना आया हुआ है, यहाँ पर भी तो 92.75 ही आ रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चलाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 92.7500। तो बात तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि दूसरे क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस को डिस्प्ले कराना था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस को आप कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, इसमें डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड है उसका यूज करके हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कमांड लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे लिखना होगा डिस्टिंक्ट, इस तरीके से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हो गया। और डिस्टिंक्ट लिखने के बाद यहाँ पर क्लास की बात आएगी, तो ये क्लास हो गया और फ्रॉम कहाँ से, तो स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हो गया, और यहाँ से इसे टर्मिनेट कर लेंगे और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से चला देंगे। तो आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट क्लासेस ही सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी 10 एक ही बार आया है, 12 एक ही बार आया है, और 11 एक ही बार आया है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि 10 कितनी बार आया है, 10 तो एक बार आया है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं 12 दो बार आया है। तो 12 को एक बार इसने रिप्लेस कर दिया, ये फायदा हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि मॉडिफाई करना है, ठीक है, किसको मॉडिफाई करना है।
कह रहा है ना कि जो मार्क्स हैं उनको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, DESC चला लेते हैं और स्टूडेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिखाएगा कि कौन कौन से डेटा टाइप किस किस तरीके से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें किसको जो है ये मार्क्स को करना है। तो यहाँ पे मार्क्स का डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और 8 से जो है 2 पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको ये करना है, तो चलिए ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है सारा काम। देखिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले यहाँ अल्टर लिखिए, क्योंकि अल्टर तो करवाना ही पड़ेगा, चेंजेस करने हैं तो अल्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल दीजिए और फिर टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट दे दिया। और स्टूडेंट की टेबल में हमें मॉडिफाई चलाना है, मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई लिखा हमने, और मॉडिफाई लिखने के बाद मार्क्स को मॉडिफाई करना है, इंटीजर दिया हुआ है तो उसको फ्लोट में लेके आना है। तो FLOAT फ्लोट कर दिया और 8 तक जाएगा ये, और 2 पॉइंट तक जो है इसे हम ये करेंगे। और ये मॉडिफाई हम कर रहे हैं, आपने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से ये जो है इंटीजर जो है इसका डेटा टाइप था। जैसे मैं फिर दिखा देता हूँ, मार्क्स का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था। तो यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए, ये मार्क्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। लेकिन अभी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जा करके इसे रन करवा दिया मैंने। अब जब रन करवा दिया तो ये तो चल ही जाएगा, ठीक है, ये तो चल ही जाएगा। तो जब चलेगा ये कह रहा है अल्टरनेटिव स्टूडेंट मॉडिफाई, तो अभी जब चल जाएगा तो फिर वापिस से इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट जो है, मार्क्स जो है फ्लोट बन गया है और 8.2 हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो भी गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। अब एंटर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कह रहा है ना, वेरकेर को 50 कैरेक्टर्स तक मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है। किसका वेरकेर, तो नेम का। तो नेम देखते हैं, नेम में क्या था। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और फिर वापस से चलाते हैं, तो नेम का देख सकते हैं आप, ये नेम है और कैर डेटा टाइप था, हमें इसे वेरकेर में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही चलाना होगा जो अभी हमने चलाया था, तो यही सेम चीज करना है, ठीक है। तो इसी को मैं क्यों ना कॉपी कर लूं यहां से और नीचे पेस्ट कर देता हूं। तो ये पेस्ट भी कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क्स को तो करना नहीं है, यहाँ पे करना है नेम को। तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं, NAME नेम, और इसको जो है वेरकेर में कन्वर्ट करना है। तो यहां से इसको हटाएंगे और यहाँ पे कर देंगे वेरकेर, ठीक है। तो ये हो गया वेरकेर, इस तरीके से लिख दिया वेरकेर, ठीक है। तो ये हो गया वेरकेर, और यहाँ पे 50 साइज रख देते हैं और यहाँ टर्मिनेशन दे देते हैं, ठीक है। और टर्मिनेशन देने के बाद इसको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करके यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है वेरकेर में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नेम है, अब ये बन गया है वेरकेर 5 हो गया एक्चुअली। तो इसको 50 करना है तो क्या करना होगा, 50 बस यहाँ पे कर देंगे, देखिए 5 ही रह गया, तो ये 50 कर देंगे तो अब ये 50 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और जब आप अब इसको देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो देखिए इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, नेम का जो डेटा टाइप है वेरकेर था, लेकिन इसकी साइज 5 हो गई थी गलती से, उसके पहले तो कैर ही था, तो फिर ये वेरकेर में भी कन्वर्ट हो गया, साइज भी 50 हो चुकी है, क्लियर।